हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा बयान आया है। जी हाँ, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है हिटमैन का यह पहला और आखिरी वर्ल्ड कप है। जी हाँ, और ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, इस बारे में बताया है कि यह मैच वर्ल्ड कप का 50 ओवर का फॉर्मेट का मैच हर 4 साल के बाद आता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भारत को विश्व चैंपियन बनना है तो इसमें 103 खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, और वो तीन खिलाड़ी हैं विराट, सुमन और रोहित शर्मा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। दोस्तों बता दूं, विश्व कप शुरू होने में सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं और दूसरी ओर एशिया कप का मैच खेला जा रहा है। शनिवार को कल 2 सितंबर का मैच, जिसमें भारत और पाकिस्तान का खेला जाना है, और इस मैच के लिए लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पता है आप लोगों को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला काफ़ी कड़ा मुकाबला होता है, काफ़ी टक्कर होता है। लोग इसके प्रति काफ़ी इमोशनली जुड़े होते हैं, दोनों भारत और पाकिस्तान के लोग इस मैच के लिए। तो दोस्तों बता दें, एशिया कप वनडे क्रिकेट के पहले टीमों को प्रयोग के लिए भारत के लिए आखिरी मौका होगा। विराट कोहली, जो कि 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं, दूसरी ओर हिटमैन रोहित शर्मा को अभी वनडे विश्व कप में जीत का स्वाद नहीं मिला है, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि इस बार वो जीत सके और भारतीय टीम को विजेता बना सके और भारत को यह विश्व कप दिला सके। मेरे दोस्तों, सुमन गिल के लिए भी एक पहला मौका है, और पहली बार वो अगर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं तो पहली बार उनको खेलने के लिए मौका मिलेगा, और वो भी चाहेंगे कि वो अपने अच्छे प्रदर्शन को बरकरार रखे और इस वर्ल्ड कप को जिता। अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और कल के मैच, भारत और पाकिस्तान के मैच, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्तों।